व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनविटेशन सेंड किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ऐसे हमारे मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि वो SCO की जो पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग है उसमें आएँ, पाकिस्तान आएँ। और चंद दिन पहले मोदी साहब जब यूक्रेन से वापस जा रहे थे तब भी उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ किया। और फिर ये भी खबर आई कि ऐसा वो 4 बार कर चुके हैं जब से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है। तो डेफिनेटली जो भी क्रू होता है वो पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाज़त ही लेता है, ऐसे तो नहीं घुसता। तो मेरे ख्याल में क्योंकि शरीफों का एक सॉफ्ट कोर है टुवर्ड इंडिया, तो उन्होंने अलाउ किया। लेकिन पॉलिटिकली जो ये PTI हो गई या JUI या इस्लामी जो कट्टर तंजीमें हैं वो इनके पीछे पड़ जाती हैं फिर, कि देखा हम तो पहले कहते थे ये इंडिया के दोस्त हैं, इस तरह की बातें भी फिर साथ में होती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को SCO बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। ये बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद का दौरा करें। देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जगह अपने किसी मंत्री को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी, बड़ा टाइम पड़े हैं। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस साल कजाकिस्तान में हुई बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल नहीं हुए क्योंकि यह बैठक आम चुनाव के समय हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फिजाई हदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का वो लिया गया है और क्या वजह बनी? आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फिजाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास है नहीं, लंबा चक्कर पड़ता है दोनों को, इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें वाया दुबई आती हैं। खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2,000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम क्या था महंगाई का रोना रोते हैं। तो महंगाई तो होगी ना, फिर हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह ये लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आगे बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना, आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तजारती रवाबित बहाल होने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात सब के साथ, इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान सही होने चाहिए, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से। कश्मीर, मैं एक क्लिप देख रहा था उसमें जो एनालिस्ट था ना वो कह रहा था कि कश्मीर की वजह से हमने अपने आप को बर्बाद कर लिए, 75 साल से ये कश्मीर करते करते ना हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, हमने बिलियन ऑफ रिसोर्सेज अपने बर्बाद किए हैं, उस स्टांस की वजह से रिलेशंस हमारे ख़राब हुए हैं, ग्लोबल पावर्स के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हुए हैं और
सबसे बड़ी बात ट्रेड हमारी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन जो हम हैं ना, हम अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया के थ्रू अगर हम तक आएँ, चाहे वो आप कह लें ओशनिक स्टेट्स जो हैं वो भेज रही हों, या हमें जो है वो बांग्लादेश से कुछ आ रहा हो, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ से कुछ आ रहा हो, या फिर हमारी फ़्लाइट्स जानी हो इन जगह पे, तो बीच में इंडिया है। अगर हमारे रिलेशन सही होते तो हम हर चीज़ वहाँ से इजीली मंगवा सकते थे, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड। सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो वेजिटेबल है, या फिर आप कह लें आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, मसाले, कि इंतहा के महंगे हुए हैं। इन्फ्लेशन इसलिए ज़्यादा क्योंकि हम अब इंडिया से नहीं मंगाते। चाय हम इंडिया से मंगाते थे, सस्ती पड़ती थी, अब हम कीनिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, वो हमें महंगी पड़ती है। तो रिलेशन ये जिसका भी फैसला था ना कि हमने बंद की थी ट्रेड, इंडिया ने नहीं की थी, हमने बंद की थी। अब जब हमने बंद की तो इंडिया कहता अब हम खोलेंगे नहीं, कर लो जो करना है। तो उस वजह से अब हम बायपास करके 4-5 कंट्रियों से के थ्रू मंगवाते हैं, तो महंगाई तो होती है। तो मेरे ख्याल में रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, और क्योंकि हमने बंद किया तो पहल भी हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उनकी ट्रेड को ना उनके रिलेशंस को, हमें बहुत हिट हुए। तो क्योंकि गलती यहाँ पे हमारी है तो उसको सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। और अब जब भी बात करते हैं पाकिस्तान तो वो यही कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करो, और जब तक हम फिर हाफिज सईद और उन जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बंद नहीं करेंगे तो मामला तो ठीक नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सेव गाइस।